बेस्ट पोएट्री, शायरी, स्टोरी, म्यूजिक सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। सॉरी चा, हाय एवरीवन, मेरा नाम आशु है। शुरू करने से पहले बस दो लाइनें कहना चाहूंगा कि सिमटते कहाँ है दिल के दर्द इन शायरी और कहानियों में, सिमटते कहाँ है दिल के दर्द इन शायरी और कहानियों में, हम तो बस बहला रहे हैं खुद को जरा इन कागजों के साथ। आज मैं दो नज़में लेके आया हूँ। एक ये पहली नज़म है, इस नज़म का उनवान है, उनवान मतलब शीर्षक है, महीनों बाद आज मेरी बच्ची सोई है। अटेंशन प्लीज, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिएगा। इस नज़म का उनवान है महीनों बाद आज मेरी बच्ची सोई है। उनवान मतलब शीर्षक कि कुंडी ना खड़काओ आज महीनों बाद मेरी बच्ची सोई है। कुंडी ना खड़काओ आज महीनों बाद मेरी बच्ची सोई है। आंखें सूजी हैं गायब है हंसी उसकी, सारी बिना गुनाह के वो रोई है। धीमी करवा दो पड़ोस के टीवी में चल रहे समाचारों की वो आवाज। धीमी करवा दो पड़ोस की टीवी में चल रहे समाचारों की वो आवाज। समाचार मतलब न्यूज। कांप उठेगी फिर से अगर वो सुना कि किसी और ने आज फिर अपनी किस्मत खोई है। कि कुंडी ना खड़काओ आज महीनों बाद मेरी बच्ची सोई है। बड़ी चर्चाओं को सहना है बड़े दुखों को कहना है अभी फैसला तो दूर है कि कैसे और कब लूटी है असमत, सिर्फ यही चर्चा तो रही है। कुंडी ना खड़काओ आज महीनों बाद मेरी बच्ची सोई है। चंद भेड़ियों की गलती पर इंसानियत ने चुप्पी साधी है। अगर शेरों ने खाल पहन ली है डर की, तो शेरनिया भी क्यों सोई हैं। कुंडी मत खड़काओ क्योंकि आज महीनों बाद मेरी बच्ची सोई है। कौन क्या कहेगा यही डर है सबको। इसी सोच पर जाने ना जाने कितनी बेटियां रोई हैं। अरे कुंडी ना खड़काओ आज महीनों बाद मेरी बच्ची सोई है। एक ये दूसरी नज़्म है मेरी, इस नज़्म का उनवान है जनाजा। तो प्लीज थोड़ा कॉन्सेंट्रेट से सुनिएगा। सब खड़े होंगे मेरे जनाजे के इर्द गिर्द किसी की बातों में तो किसी की निगाहों में मेरा जिक्र होगा। सब खड़े होंगे मेरे जनाजे के इर्द गिर्द किसी की बातों में तो किसी की निगाहों में मेरा जिक्र होगा। सबके अपने अपने अंदाज होंगे लेकिन अब्बा मेरे जनाजे की निगाहें सिर्फ आप पर ही होंगी। रो रो कर आपकी आंखें सूज गई होंगी। गम की फिजाओं में आपके दिल की धड़कन जरा बढ़ सी गई होगी। तसव्वुर रखना कि आपसे ज्यादा खुदा को मेरी जरूरत होगी। ख्याल रखना मेरी अम्मी का, वो भी किसी कोने में रो रही होंगी। अब्बा आपको मेरी बहुत सारी बातें याद आएंगी। हर बात में आंखों में नमी उभर आएगी। कई लोग आकर आपसे कहेंगे कि मैं कितना काबिल था। उनकी बातों से दिल को गमगीन ना करना। खुशी से मुझ पर बस फख्र करना। रास्तों पर मैदानों में आपको मुझ जैसे कई नौजवान दिखेंगे। उन्हें देखकर आप अश्कों की चादर ओढ़ कर वीरागता ये कह उठेंगे, अगर मेरा जिद्दी बेटा जिंदा होता तो वो भी इसी उम्र का होता।